तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं आपको थंबनेल लेके पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक के लिए आ रहे हैं। और आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जो भी ऑन करे तो सिर्फ एक ही ट्रेंडिंग मिल रहा है, वो जो कलकत्ता में जो ममता क्या नाम था, मोमिता देवनाथ, वो जो पढ़ने के लिए आया था यहाँ पे और ट्रेनिंग क्या बोलते ट्रेनिंग डॉक्टर थे, ट्रेनिंग कर रहा था डॉक्टर मेडिकल कॉलेज, तो उसको भी आज सभी हमारे यहाँ पे भी और जहाँ पे भी देखा जाए तो ऑनलाइन पे यही देखने को मिल रहा है कि उसको हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, कैंडल वगैरह ये सब जलाकर। तो मैं कुछ बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं। और सबको पता है कि हमारी चैनल जो है रिस्की चैनल टीम, चैनल का नाम है, हम लोग पोस्ट वीडियो बनाते हैं। तो जिस तरह की यहाँ पे घटनाएं हुई है, हम लोगों को मजबूर कर दिया ऐसी वीडियो बनाने के लिए। आज मेरे ख्याल से आज पूरा जो हमारा देश है उनका सर इन घटना को नहीं बोलूंगा दहशतगर्द से पूरा देश का सर झुक गया। अगर किसी का नहीं झुका तो झुकना चाहिए। और क्योंकि देखिए कि हम लोगों का भी घर में माँ बहन है, सबका बहन है, सबका एक सपना होता है कि हम लोग उसको कुछ बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। तो उसके लिए तो घर में हर जगह फैसिलिटी नहीं होता, हम लोगों को बाहर भेजना पड़ता है। और अगर इस तरह की घटनाएं होते रहेंगे तो हम लोग देवजीत उदय कैसे हम लोग यहाँ पे बाहर भेज पाएंगे। वही तो, कुछ सबका सपना होता है। और मेरे ख्याल से आज हमारे देश में ऐसे हर साल, हर महीना, हर दिन आप बोल सकते हैं, अभी फिलहाल जो हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी दहशतगर्द घटनाएं होती ही रहती है। और कुछ दिन इसका ट्रेंडिंग चलता है यूट्यूब में, अपने फायदे के लिए सभी वीडियो बनाते हैं और उसके बाद सभी भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे आप लोगों का व्यूज ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में कुछ दर्द उठा है हमारी टीम की ओर से, वो हम बयान करना चाहते हैं आपके ऊपर, इसलिए मैं आया हूँ। जैसे देखिए, पहले जो एक जमाना था हमारे त्रेता युग में, जब माता सीता को रावण ने हरण किया था तो भी लंकाधन हो गया था। अभी उसके बाद द्वापर में ध्रुपति का जो वस्त्र हरण किया गया था, उसके बाद महाभारत हो गया था। तो आजकल क्या हो रहा है कलयुग में, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक कैंडल। हाँ, सिर्फ कुछ घटना हो जाती है, कैंडल जाती है, सभी सोशल मीडिया में अपना फेस शेयर करती है, उनका फोटो शेयर करती है, यही होता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। तो मैं किसको बोलूं कि कुछ होना चाहिए, किसको बोलूं कि कुछ होना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। और हमारे यहाँ पे जहाँ पे घटना हुआ कि पीएम है, वो बोले कि एक घटना है 10 लाख रुपए दे देंगे हम उनको। अरे 10 लाख तो उनको ज्यादा खर्च हो गया, उनके पढ़ाई जो ट्रेनिंग देते थे उनको 10 लाख से ज्यादा खर्च हो गया। तो मैं उन मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ, मैं हम लोगों का चैनल बहुत छोटा है, 172 सब्सक्राइब से हमारा चैनल है, तो मैं उस मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ कि आपकी घर में भी कोई बेटी है तो हमारे देश में 140 करोड़ शायद आबादी है, हम लोग 1 रुपया करके आपको देते हैं, आप काउंटिंग लगा होता है कितना होता है, 140 करोड़ था। तो ममता बनर्जी को हम लोग 140 करोड़ रुपया देंगे, उसके जो घर में जो बेटी बहन कुछ भी होगा, अगर उसके साथ ऐसी घटनाएं होए तो हम लोग राजी है 140 रुपया देने के लिए, 140 करोड़ रुपया देने के लिए राजी है। तो ये बात ठीक नहीं है जिस तरह की घटनी हुई। तो मैं यहाँ पे और हम मेरे ख्याल से उधर यहाँ पे बहुत ही पॉलिटिकल चल रहा था उस पलक में, क्योंकि जब उस लड़की का लाश पहले कौन देखा था उस कॉलेज का देवजीत, मेरे ख्याल से उस कॉलेज का कोई देखा था, उस हॉस्पिटल का एक लड़की देखा था उस कॉलेज का। हाँ, तो उसके घर में जब कॉल आते हैं, पॉइंट नोट किया जाए, ठीक है, उसके घर में जो कॉल आते हैं तो क्या बोलते हैं, आपका बेटी ने पहले ऐसा बोला था शायद आपकी बेटी बीमार है बहुत, उसके बाद ये बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, उसको बहुत टॉर्चर की जाती थी। तो हाँ, उसके बाद उसके घर में वो लोग ये सोचने जा रही है कैसे कर सकता है, क्योंकि हर घर का जो फैमिली का जो मेंबर है, हर कैसी आदत है उनका, वो सब जानते हैं कि उसका बेटी जो है बहुत ही पॉजिटिव था, ऐसा कर ही नहीं सकता था, वो लोग ये सोच रहे थे। तो जिसने भी ये बोला, उसका लाश, उसका बॉडी ऐसी हालत में मिला, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं कर सकता, इतना शर्म आएगी।
तो क्या चल रहा है वो देख कर क्या बोल रहे, ये सुसाइड कर लिया। और वो जो वो लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं तब जब देखते हैं कि क्या है उसका बेटी का जो डेड बॉडी है उनको सामने ही नहीं जाने दिया 3 घंटे तक, तो ऐसा क्या चल रहा है? तो मेरे ख्याल से हमारे देश में क्यों और महिला का प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? हाँ, प्रोटेक्शन जानना चाहते हैं। और एक बात, और जिसको गिरफ्तार किया, जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या नाम है उसका, संजय रॉय। हाँ, उसको सीसीटीवी के उस रूम में सीसीटीवी नहीं थे, सामने सीसीटीवी से कैद हुआ, उस हिसाब से उसको गिरफ्तार किया। वो भी शामिल थे, लेकिन उसके साथ और भी शामिल थे। क्या बोलूं यहाँ पे, ये हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम एक यहाँ पे जो बात बोलने वाले हैं, जैसे ऐसे क्राइम मेरे ख्याल से कभी भी नहीं रुकेगा। इसके बाद इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे केस सीबीआई क्या हुआ घंटा हुआ। तो मेरे ख्याल से जैसे हर किसी के पास आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब वगैरह रहता है, मेरे ख्याल से हर किसी को जीपीएस यूज करना चाहिए। जीपीएस जैसे कंपनी में काम करते हैं, लोकेशन ऑन करते हैं, मैं इतने टाइम तक एक्टिव हूँ, कहाँ कहाँ पे गया है सब पता चलता है जीपीएस में, लोकेशन में। इस तरह का हर किसी के पास जीपीएस ऑन होना चाहिए जब वो घर से बाहर निकले। माननीय नरेंद्र मोदी साहब को यही बोलना चाहता हूँ कि जिसने भी ये घटिया काम किया है उसको ऐसी सजा मिले कि आने वाला वक्त में कोई भी अगर इस तरह की जुल्म करने का सोचे किसी के ऊपर तो उसका रूह तक कांप जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि उसको, मेरे ख्याल से उसको फांसी नहीं देना चाहिए, क्यों बोलते उधर, मेरे ख्याल से उसको फांसी के फंदे में लटका नहीं देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। हाँ। उसको ऑन रोड पे लाके इस तरह की उसको सबक सिखाना चाहिए, उसका हाथ जो पैर जो है उसको काट काट के जो नमक होता है उसको नमक उसको डाल देना चाहिए, और उसका तो जो पैर है उसको काट के छोड़ देना चाहिए बस। हाँ। उसको मर जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ। ऐसा भी पकड़ता है आदमी सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में रहता है, ऐसा भी इंसान हो सकता है कि डिप्रेशन में मरने से भी नहीं डरते, ऐसा भी इंसान हो सकता है। इसलिए उसको मेरे ख्याल से जिंदा छोड़ना चाहिए, उसका जो दो पैर है उसको काट के, और ऐसे उसको सबक सिखाना चाहिए जो आने वाला वक्त में जो किसी कोई भी अगर जुर्म करने के लिए सोचे उसका रूह तक कांप जाए। तो मैं यही तो बोलना चाहती हूँ। और ज्यादा क्या बोलूं, आप लोगों को अगर हमारी ये बातें अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ।